हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं आपका मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के लिए जुड़े रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए इंडियन रेसिपी, कॉन्टी रेसिपी और फ्यूजन रेसिपी। तो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए बने रहिएगा और अपना प्यार बरसाते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनके रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे साथ में। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं देखते हैं आज की रेसिपी। और टिप्स और ट्रिक्स नोट कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चले बनाते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी और क्विक बनने वाली रेसिपी। ये है मिनी मिल्की बर्गर। तो ये बहुत टेस्टी है और बहुत डिलीशियस एंड चीजी। स्पेशल ये है कि इसमें टिक्की का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं किया है। तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत क्विकली बनने वाली रेसिपी है। इसमें जो ये बर्गर है, मिनी बर्गर, ये होममेड है। इसकी रेसिपी हम अपने चैनल पर शेयर कर देंगे। तो चलें बनाते हैं मिल्की बर्गर बन। तो फ्रेंड्स, हमने बनाए हैं ये मिल्की बर्गर बन। देख सकते हैं आप, बहुत छोटे मिनी बर्गर बन है। ये मिल्की है और बहुत ही टेस्टी है। तो हम एक बर्गर बन में दो बन यूज़ करेंगे और इसको रोस्ट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। तो देखिए, बहुत सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर वाले साइड में, नीचे वाले साइड में लगाएंगे हम केचप। तो नीचे वाले साइड में हम केचप लगा रहे हैं, स्प्रेड कर देंगे इसको अच्छे से। इस बर्गर बन की रेसिपी हम अपने चैनल पे शेयर कर देंगे, लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप इस बर्गर बन को घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो अब इसमें अमूल का मिक्स चीज़ खूब सारा यूज़ करेंगे। इस बर्गर बन में टिक्की का यूज़ नहीं किया है, तो ये क्विकली बन जाता है और आप इसे ब्रेकफास्ट में और जब छोटी छोटी भूख लगी हो तो आप इसको खा सकते हैं। इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। तो देखिए, खूब सारा चीज़ हमने स्प्रेड कर दिया है सॉस केचप के ऊपर। ये बहुत ही टेस्टी होता है। स्प्रिंकल कर देंगे ओरिगेनो मिक्स। तो ये ओरिगेनो मिक्स इसको एक अच्छा सा फ्लेवर देता है, क्योंकि हम करने वाले इसको 5 मिनट के लिए OTG में बेक। सो जैसे ही चीज़ मेल्ट होगा और ये स्पाइस उसमें मिक्स होंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। अब स्लाइस चीज़, तो एक एक स्लाइस चीज हम यूज कर रहे हैं। अब हमने कुछ सैलेड काट के रखे,
कुकुम्बर और टोमेटो। आप चाहें तो ऑनियन भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुकुम्बर स्लाइसेस और टोमेटो हम लगा देते हैं इस तरह से। देखिए, देखने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आँखों को बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बेहद खुश हो जाएंगे यदि आप उनको बना कर देते हैं। अब स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो मिक्स। इस मिक्स में सॉल्ट भी है, ब्लैक पेपर भी है, ऑरिगेनो भी है, गार्लिक पाउडर भी है, तो देखिए चिली फ्लेक्स भी है। अब ये जो सेकंड बर्गर बन है, हमने तीन बन रेडी किए हैं, सेकंड बर्गर बन पे भी नीचे के साइड में केचप स्प्रेड कर देंगे। इस केचप को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरह से बन हमारा रेडी हो गया। अब इसको इजीली हैंडल करने के लिए इसको हम टूथपिक लगा देंगे। हमें करना है 5 मिनट के लिए बेक। ओटीजी को हमने 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट पर रखा है। तो देखिए ओटीजी हमारा प्री हीट हो चुका है। तो अब हम हमारे बर्गर को 5 मिनट के लिए 180 डिग्री पे 5 मिनट हम इसे बेक करेंगे। चीज़ मेल्ट हो जाएगा, जस्ट इतना ही बेक करना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अभी हमारा बर्गर बन रेडी है। तो अब इसको हम टूथपिक लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, रेडी है ये हमारा स्पेशल मिनी मिल्की बर्गर बन। है ना टेस्टी, बहुत डिलीशियस और क्विकली बन जाता है। बस बर्गर बन आप बना कर रख लीजिए, जब भी मन करे 5 मिनट में रेडी हो जाता है ये, और बच्चों को तो बेहद पसंद आने वाला है। आपको कैसा लगा ये बताइए और बनाइए। जल्दी से इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए और बना लीजिए ये मिनी मिल्की बर्गर बन। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अच्छी लगी ना? यदि अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, चुपचाप देखते हैं, तो उनसे निवेदन है चुपचाप मत देखिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा फ्रेंड बन जाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो आज की रेसिपी आपको यदि अच्छी लगी है तो बनाइए जरूर, सिर्फ देखिए मत, बनाइए। और हम लाने चलते हैं आपके लिए फिर नई रेसिपी। तो नई रेसिपी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और बनाते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी शेफ कृष्णा के साथ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।